ये इधर हम आए, एक होटल है, इसका नाम है रिवर इन होटल, पामीर रिवर इन होटल। तो ये बड़े VIP इनके रूम्स हैं, ठीक है। ये फैमिली के लिए डबल रूम है, इसकी कीमत इन्होंने बताई है 32,000। दो रूम्स अगर लेने हो, अगर सिंगल रूम लेना हो तो उसका है 16,000। और माशाल्लाह ज़बरदस्त अच्छा सिस्टम है इनका, बड़ी सीनरी इसके अंदर है सब कुछ। हाँ, और साथ में जो है इसके वो दरिया भी बह रहा है, ठीक है। चारों साइडों पे पहाड़ हैं, तो अगर पहले पहले दिन बंदा पहुँचे, पहला स्टाप इधर हो, एक दिन एक रात इधर गुजारे, फिर इसके बाद आगे जो है जो भी प्रोग्राम हो वो करें। हाँ, पिक्चर्स के लिए भी अच्छी जगह है, हाईली रिकमेंडेड भाई, हाईली रिकमेंडेड, नॉट जस्ट रिकमेंडेड। तो इधर से हम आए थे असल में टिकटें लेने के लिए। हाँ, टिकट काट दें फिर। तो ये टिकटें जो है इधर से मिलती हैं 1,000 रुपये की टिकट, जिससे हम पोर्ट के अंदर जो म्यूजियम है वो विजिट कर सकते हैं। We bought the tickets. Now it's time to go up there. Let's go. No. और ये जिस जगह में हम खड़े हैं अभी, ये अदालत था स्टेट का। अच्छा, अदालत भी लगते थे उसमें। अब हम कहाँ जा रहे हैं, इसका क्या नाम है? ये अभी महाराजा में जा रहे हैं। महाराजा हाल दरबार। अच्छा, दरबार। सर ये मोहरा का रूम होते थे सर, इसको मोहरा का रूम भी कहते थे, दरबार भी कहते थे, सर्दी में अदालत भी लगते थे इधर। अच्छा, अभी भी हमारे मौजूदा नेता प्रिंस फातिह उल्मुल्क अली नासिर साहब का ज़ेरे इस्तेमाल है सर। अच्छा जी सर। और ये जितनी भी तस्वीरें लगी हैं हमारे चित्राल के बादशाह थे, जिसको हम मेहतर चित्राल कहते थे। सही। जब तस्वीर शुरू हो गया था 1885 में, पहला तस्वीर आया था शाह अमान उल्मुल्क मुल्तान का। अच्छा। ये 1856 से लेके 1852 तक हुकूमत किए हैं, इनका हुकूमत जो था गिलगित के यासीन से लेके कबूल के कुनार तक फैला हुआ था। ये चित्राल के तारीख का सबसे बड़ा हुक्मरान रह चुके हैं। इससे पहले 1585 में इनका हुकूमत था, शुरू था, लेकिन तस्वीर नहीं थी, तस्वीर नहीं हुआ करता था। फिर 1885 में एक अंग्रेज आया, उसने तस्वीर बनाया था अमान उल्मुल्क का। और इनके दौर हुकूमत में ये यासीन काबुल के कुनाल ये तो हमसे जुदा हो गए, सिर्फ चित्राल के जितने भी एरिए हैं अभी ये हमारे पास है। अच्छा, 1936 से 1936 को वफा तो इनका बेटा नहीं था, दो बेटे, इस वजह से इनके छोटे भाई मोहम्मद मुजफ्फर को, मुजफ्फर ने 1943 से लेकर 1949 तक हुकूमत किया। 1947 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक मुजफ्फर मुल्तान ने दिया था। सही। और ये सैफ रहमान, ये सैफ मोहम्मद मुजफ्फर मुल्तान के बेटे, ये 1949 से लेके 1954 तक हुकूमत किया। 1954 में पेशावर से आकर आ रहा था रोहिता के ऊपर आकर इनका जिहाद क्रेश हो गया। ये शेख उमर 38 साल में, बेटा जो था ना ये 4 साल का था सैफ मुल्तान साहब, फिर 4 साल की उम्र से हुकूमत संभाला। अच्छा। 1954 से लेके 1969 तक हुकूमत किया। 2011 में मेहता साहब वफात पा गए। अच्छा। इनका बड़ा बेटा प्रिंस फातिह उल्मुल्क अली नासिर, जो हमारे मौजूदा मेहतर इस्तेमाल। अच्छा, ये करण मेहता 2011 में मेहतर बन गया सर। सही। और ये बंगाल टाइगर जो है ना सर, ये कश्मीर के महाराजा ने मेहता साहब को गिफ्ट किया था, 14 साल पुराना है सर। ये दान जबान अनकिन ओरिजिनल नहीं सर, बाकी सारे काल जितने भी हैं सारे ओरिजिनल हैं। ये कानीन जो है सर, ये भी उसी जमाने के लगभग 200 साल पुराने कानीन हैं सर। बदार लोग भी रहते थे और जंगी हालत में भी यूज होते थे, नीचे बेसमेंट वाले बेसमेंट होते। अभी तो खुला जगह है, ये दो कमरे हैं ना,
एक ही है सर। तो एक में कितने लोग रहते थे? मैंने रहते नहीं थे सर, अच्छा मतलब ड्यूटी के दौरान रेस्ट कर रहे हैं। ऊपर कमरा बना था, ये ईंट तो बाद में लगा है ना, ये तो बाद में मतलब ये गिर गया था तो फिर उसको बना दिया ना। इसके ऊपर एक ऐसा खूबसूरत मतलब एक शाह मतलब ऐसा महल था बहुत खूबसूरत, वो भी गिर गया था ना ये 10-15 साल। ये मस्जिद है सर, शाही मस्जिद। अच्छा ये शाही मस्जिद असल ये है? नहीं नहीं सर, असल शाही बड़ा शाही मस्जिद जो है वो 1924 को बना था और ये 1906, ये दोनों सर शिजोद मुल्क मिताल ने बनाया। ये मस्जिद अभी इस्तेमाल में है कि नहीं? अभी भी 5 वक्त का नमाज बाजमात होते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा लोग आते हैं? हाँ ये जुम्मा भी होते हैं सब। मैं तो सब खुद भी 5 वक्त का नमाज ही है सर। माशाल्लाह जी सर। ये अंडरग्राउंड रास्ते हैं सर, नीचे दरिया पे पानी लाने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। ये नीचे अंडरग्राउंड किचन होते थे, जो अंडरग्राउंड कैद खाने मेहमान खाने होते थे। ये जीप जो नज़र आ रहे हैं सर 3 नंबर का, अच्छा ये 1958 में चित्राल के लोगों ने उठा के मतलब लाया था सर वो। अच्छा लवारी से सर। क्यों? क्योंकि वो रास्ता नहीं था ना सर। अच्छा रास्ता नहीं था, बन गया ना सर। ये 1948 की तोपें हैं सर, जो सकरदू से चित्राल के बॉडीगार्ड ने फतह करके लाए थे सर। सकरदू से वो इसका क़यादत कर रहा था हमारे शहजादा साहब शोहर वाला गवर्नर मतउल मुल्क साहब। अच्छा वो बॉडीगार्ड की क़यादत कर रहा था। सही ऐसे तारीख तरीके पता बोला सर सकरदू है। और ये 1919 में बिरकुट जंग हुआ था सर, उधर से पता करके चित्रा के बॉडीगार्ड ने लाया था सर बिरकुट। ये अफगानिस्तान के जो अफगान वाले हुआ था 1919 का Look at these stairs. अच्छा सर इसको अच्छा ये सीढ़ियाँ काफी पुरानी सीढ़ियाँ लग रही हैं। जितने भी लगे हुए सर ये सिंगे ये पंजाब के हैं सर, बड़ा सिंगे हैं सर। अच्छा ये ओरियाल हैं सर, ये कश्मीर के हैं सर, ये मरकोपुर शीप है सर, ये पाकिस्तान के हैं सर, ये ईरानी नील गाय हैं सर, जंगली गाय हैं सर। और ये भी बड़ा सिंगे हैं सर, वो चीता सोनीपत वो मरकोपुर शीप ये स्नो लेपर्ड है माफो जी सर, वो माफो वो तीनों चित्राल के हैं सर, बाकी तो सारे गिफ्ट में मिले हुए हैं सर। ये क्या चीज़ है? ये सर ओरिजिनल जितने भी हैं। ये क्या है? ये मार्कोपोलो शीप है सर। मार्कोपोलो शीप है सर। और ये स्नो लेपर्ड, ये स्नो लेपर्ड और ये बारासिंगा, ये तीनों चतराल के अपने हैं। ये स्नो लेपर्ड और मार्कोपोलो शीप वो आखिर में दीवार में जो रखे हैं वो क्या चीज़ है? वो मार्खोर की खाल है। अच्छा मार्खोर की खाल है, तीनों चतराल के, बाकी तो सारे जिसमें मिले हुए हैं। सही। ओ सर ये शाही डाइनिंग हॉल था उस, इधर वीडियो इजाज़त है ना? हाँ जी सर, कुछ भी बना सकते हैं मेहरबानी। ये शाही डाइनिंग हॉल है सर, ये जो था ये 1936 का बना हुआ था सर, ये बनाया था सर शुजाउल मुल्क मिताल ने सर। अच्छा और ये सामने तस्वीर वाला ये वाला, अच्छा ये वाला ये बकरी के बाल, बकरी के बाल, दाल, अंडे, नमक, चूना। अच्छा ये चीजें नीचे दीवार के लगे हैं सर, ये दीवार में वो चूना रेत बकरी के बाल दाल। सही। ये हमारे नेता साहब था सर जो शुजाउल मुल्क में था 13 साल, इस उम्र में इसने हुकूमत संभाला था, 1895 की बात है सर। अच्छा ये इनके साथ इनके मतलब अतालिक लोग होते थे, बॉडीगार्ड होते थे, सूबेदार होते थे, ये लोग होते थे सारे इकट्ठे। सही तस्वीर बने हैं सर। ये सर नासिर मुल्क मिताल हैं सर, जो इनकी तशपूशी वो अदालत के जगह में हुआ था सर। अच्छा उधर से मतलब ये तस्वीर लगी। ये कोई गोरा है? ये गोरे हैं सर, ये उस जमाने में कोई मेहमान होते थे, कोई वायसराय होते थे, इस तरह मतलब इधर विजिट के लिए चित्राल आए थे तो इनके तस्वीर लेते थे। ये गोरों की हुकूमत थी यहाँ पे कि नहीं? गोरों की हुकूमत नहीं थी सर, गोरों ने मतलब ऐसा शुजाउल मुल्क की मदद के लिए इधर पहुँचा था सर। अच्छा हुकूमत नहीं था सर मदद के लिए, मतलब अफगानिस्तान चित्राल जो हुआ था ना सर, क्या चीज़? ये देखना ये
आपको बताता हूँ ना सर, ये 1936 के बाटे हैं सर, अभी भी यूज होते हैं सर। जबरदस्त। और ये जो है ना सर, ये सर शुजुमेदार है सर, 13 साल की उम्र में इसने हुकूमत संभाला था। वो शेर हजार है सर, सीज ऑफ चित्राल जो हुआ था वो जब मतलब शेर अफजाल ने आके सर शुजुर मुल्क के ऊपर अटैक किया ना सर, तो ये ब्रिटिश वाले फोर्स गिलगित साइड से भी आया था, दिर साइड से भी आया था, आके इसके मतलब मदद करके इसको वापस भेज दिया, और इसकी हुकूमत इनको हवाले करके 4 महीने के बाद वो खुद भी वापस चले गए थे सर। अच्छा। और ये तो हमारे किले का तस्वीर है सर, 1895 का। ये नीचे टावर जो है इसको पानी बहा के लाए ले गए। अच्छा। और बाकी टावर मौजूद है सर, ये गाड़ी ये टेबल सारे उसी जमाने के हैं सर। अच्छा। उस जमाने के वायसराय थे सर, वायसराय की वाइफ थे सर। अच्छा। लास्ट वायसराय लाल मून बेंटन की। और ये हमारे मेहतर साहब हैं सर, 1948 के साथ इस्लामिक कॉलेज पेशावर में गए थे सर। अच्छा। ये चंद तारा लगाए थे उन्होंने, चंद तारे की जो मतलब बात है ना सर, तारीख है ना सर, ये सर नासिर की तारीख है सर, क्योंकि वो खुद तारीख पाकिस्तान में सर, उसको पता था कि पाकिस्तान बन रहा है, हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे। उसी वक्त उसने पाकिस्तान बनने से कम 10-15 साल पहले की पेशगोई के मुताबिक उसने चंद सितारे बनाना शुरू किया था, अपने जितने भी जगहों में लोगों को बता रहा था कि पाकिस्तान बन रहा है, उसके जनते में चंद सितारा आएगा, क्योंकि उसका सारों के साथ उठना ताल्लुक था सर। और ये तो वायसराय था सर उस जमाने के सर। अच्छा। और ये डेविड वेवेल है सर, डेविड वेवेल की वाइफ है सर, लास्ट वायसराय लाल मून बेटन है सर। अच्छा। ये चंद सितारे वाले कुर्सियां जो है सर, ये 1936 के बाद सर नासिर मुमताज के दौर में, 1936। और ये 1942 की तस्वीर है सर, जो शामदूर में पोलो मैच खेलने के लिए हमारे मेहतर साहब गए थे, गिलगित के राजे भी हैं सर। अच्छा। और ये तस्वीर, ये राजा क्या हो, ये राजा उस गिलगित के बादशाह होते थे जिसको, अच्छा गिलगित के, अच्छा उसको राजा कहते थे सर। सही सही सही। और ये जो है ना सर, ये नवाब अफआम पे सर, फरीद खान साहब नौजादा सलाहुद्दीन के दादा हैं सर। किधर के नवाब, ये आपने ही सर, आम जो करबला टीम के नीचे आ गया सर। अच्छा। अभी वो तो शेरगढ़ में रहते ना सर, नवाब साहब, उनके बेटा पीटीआई में था सर, वो क्या नाम फरीद साहब था। अच्छा। ये हाथों से बनाए हुए तस्वीरें सर उस जमाने। अच्छा। के अमानुल मुल्क और उनके दो बेटों के साथ। सही। और ये सिटिंग रूम था सर उस जमाने के मेहमानों का सर। अच्छा। ये फर्नीचर 1936 के फर्नीचर है सर। अच्छा। और ये जो रेगुलेटर लगे हुए हैं सर, ये 1919 के हैं सर, अभी भी पंखा चलते हैं सर इसके। अच्छा। जी सर। और ये सर शुजुल मुल्क है सर। अच्छा। और ये पटियाला के महाराजा रविंदर सिंह, ये टेबल 100 साल पुरानी है सर। और ये हमारे मेहतर साहब हैं सर, SHM कॉलेज लाहौर में पलते थे, आखिरी लास्ट मेहतर जो था सैफुल मुल्क नासिर साहब, 1960 की तस्वीर है सर। इनके सारे दोस्त हैं सर, इन्हें जितने वो देर मतलब एहतजाज खान भी है, चौधरी निसार भी है, परवेज खटक भी है, सारे मगर उसको मतलब पहचान समझ नहीं आते सर, वो तस्वीर में पहचाने नहीं जाते। अच्छा, इसमें है वो सारे। हाँ, इसमें एक ये इसको इमरान खान भी लोग कहते थे, बाजी लोग कहते हैं कि नहीं इमरान खान नहीं है, बाजी लोग कहते हैं कि इमरान खान है। अच्छा, मतलब ये थोड़ा वो है सर, कशमकश है ये नकारा, ये दूरबीन, ये तोप की चीजें, तोप की कारतूसें, ये छोटे कारतूसें, ये सारे उसी जमाने के हैं सर। ये बंदूक, ये जिर्रा, तलवार, डाल, 300 साल पुराने हैं सर। वो आखिर में रखे हुए बंदूकें 400 साल पुराने हैं, ये वाला तो ब्रिटिश वाले 200 साल पुराने हैं सर। जो हमारे चित्राल का खास बंदूक हुआ करता था सर, यही था सर, सियाह कमान इसको कहते थे सर। इसमें बोलते इसमें आग लगा देते, फायर करते तो वो मतलब धमाका करते थे सर। वो इसमें सबसे ज्यादा वजनी बंदूक जो है सर, वो आखिर में रखे हुए वही है, बहुत वजनी है सर। ये किधर का है सर? इसका मेरे ख्याल में रूसी लगता है सर। रूसी है। अच्छा। रूसी टाइप का लगता है सर। इसको डमडम भी कहते हैं, पटादार भी कहते हैं सर। सही। ये तो तीर कमान था सर उस जमाने के सर, एक पत्थर से एक तीर से चलते, अभी भी जेर इस्तेमाल है सर चित्राल। अच्छा। ये चंद सितारा था सर जो सर जो नासिर मुल्क मेहतर ने बनाया था सर, ये वही चंद सितारा जो गेट के दरवाजे पे लगा रियासत के किले के। सही।
اور یہ کتابیں جو ہے سر سارے فارسی میں لکھی، اس زمانے میں سر ناصر نے سر شجاعت ہوتا تھے، ماشاء اللہ، یہ تو یہ آیات ہیں اسی زمانے کے لیے ابھی تازہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ دروازہ ہے سر مسجد کا، ادھر سے مہتا صاحب آتے ہیں، اچھا یہ ادھر سے مسجد سیدھا جاتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے جیسے شہزادے شہزادیاں قرآن پڑھتے تھے سر اس زمانے میں، اچھا یہ مہتا صاحب کا آفس تھا، اچھا یہ 1919 کے پھنکے ہیں سر، یہ پھنکا جو ہے 1919 کے سر، اور یہ برٹش حکومت کی طرف سے سر شجاع الملک ملتان کو ملا تھا سر، یہ میڈل اعزاز ملے تھے، اور یہ 11 توپوں کا سلامی اور سر کا خطاب بھی دیا تھا، اور یہ جتنے بھی لیٹر جو ہے نا سر، یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ایوب خان کے سر لاس مہتا سیف الملک ناسی صاحب کو لکھا ہوا تھا، یہ گورنر جنرل والا محمد خان کے سر، یہ بھی لاس مہتا سیف الملک ناسی، یہ 1948 کے مہینے ہیں سر، یہ محمد علی جناح کا سین، یہ مظفر الملک مہتا کا، یہ تینوں وائسرائے ہند کے لیٹر ہیں سر، اور یہ سو یہ بھی وہ پرانا چترال کے تصویر ہے سر، بازار کا، جو مہتار صاحب کوئی خاص مہمان لے کے آتا تھا تو لوگ اپنے دکانوں کے سامنے کپڑے بچھاتے مہتار صاحب کی استقبال کرتے تھے، یہ چترال اسٹیٹ نے کشمیر کے مہاراجہ کو لکھا ہوا تھا، یہ محمد علامہ اقبال نے سر ناصر ممتاز کو اپنے ہاتھوں سے 1930 میں لیٹر لکھا ہوا تھا سر، اور یہ 1935 کی تصویر ہے سر، اسلامیہ کالج پیشاور ہمارے مہتار صاحب سر شجاع الملک ممتاز میٹنگ پہ گئے تھے سر، ادھر کی تصویر ہے سر، اور یہ جوش گارڈن ہے سر کرنل تھا سر، یہ کنگ فلپ تھا، ڈائنا کے سسر تھا سر، دونوں چترال تشریف لائے تھے سر،